सर विजय दिलीप और बबन का बॉस था, हो सकता है उसी के साथ किसी ने दुश्मनी निकाली हो। विजय की पत्नी नंदा से बात हुई, उसे इस दारू की स्मगलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। और रही बात योगेश और गिरीश की, ये दोनों मुझे मेन टारगेट नहीं लगते। इनका किलर को मिलना इत्तेफाक हो सकता है। अब बाकी बचे वो लोग, लॉज का मालिक रोहित तोमर और वहां का सिक्योरिटी गार्ड गणेश, उनके बारे में कुछ पता चला? सर रोहित की पत्नी अभी शहर में नहीं है, कल तक पहुंचेगी। बाबा बाबा, आई खाना खाने बुलाई। अबे नालायक, सब बिगाड़ दिया ना तूने, बिगाड़ दिया ना सब कुछ। हैं सुधर जा। नंदा जल्दी दो, टिफिन लेट हो रहा है। हाँ हाँ, बस बस एक मिनट, बस रेडी है। हाँ आज रात को लेट आऊंगा, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। विजय तुम्हारा नहीं, हमें नंदा, कब तक हम विजय से ऐसे ही चुप चुप के मिलते रहेंगे? तुम चलो, हम कहीं भाग चलते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा भाग नहीं सकती। जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो। इसका मतलब विजय जब तक तुम्हारी जिंदगी में, तुम शादी नहीं करोगी। तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। और ये मनीष? अबे पता है जा रहा हूं, लेकिन तू शादी भले ही इससे कर रही है, सुहागरात तो मैं ही मनाऊंगा ना। हेलो, ये धीरज राहु काल बन के मेरी बेटी कृष्णा की जिंदगी में आके बैठा हुआ है। जब तक ये रहेगा तब तक मेरी बेटी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए इसे तुरंत रास्ते से हटाना होगा कैसे भी, और आज ही। क्या हुआ, मुझे ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया? पापा हम लोग ऐसे जल्दी से जल्दी, पापा वरना वो लोग आपको मार डालेंगे। पापा हम जल्दी जल्दी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा बेटा, कौन मारेगा? काम खत्म होते ही मुझे फोन करना। लेकिन बेटा तेरी मम्मी तो वहीं पर है ना? पापा नाना जी मम्मी को कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग चलते बाद में आके मम्मा को ले जाएंगे। अच्छा, लेकिन विष्णु जी आप तो कह रहे हो धीरज गुप्ता कनक के पिता है, तो उनके साथ जा सकती है ना, गलत क्या उसमें? अरे सर आप समझ ही नहीं रहे हो, मेरी नातिन कल रात से गायब है, और उस धीरज ने कुछ गड़बड़ किया है, एक नंबर का कमीना है वो, आप पकड़िए उसे। सर मैं अपने मतलब धीरज के घर भी जाकर आई, पर वहां पे ताला लगा हुआ है, मुझे बहुत चिंता हो रही है सर, आप प्लीज उन दोनों को ढूंढ लीजिए, नहीं वो किसी मुसीबत में ना हो सर, प्लीज सर प्लीज उन्हें ढूंढ लीजिए। सर वो मेडिकल शॉप जिसकी रिसीट मिली थी वो पिछले कुछ दिनों से बंद है, उसका ओनर गायब है, हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। और शेट्टी, उसके बारे में कुछ मिला? सर उसका CDR और कॉल लोकेशन सब क्लीन है, विजय के मर्डर वाले दिन वो अपने घर पे ही था। जोशी अगर शेट्टी को ये काम करना ही होता तो अपने हाथ गंदे क्यों करेगा? हो सकता है इस काम के लिए उसने सुपारी दी हो। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। ओके सर। सर एक अजीब बात पता चली, एक ऑटो वाले ने हमें बताया कि उसने क्राइम सीन के पास एक औरत को ड्रॉप किया था, और विजय की बीवी नंदा का कॉल लोकेशन सुबह 5:30 बजे क्राइम सीन के पास था, और नंदा के CDR में गैंगस्टर राकेश मोरे का नंबर भी मिला है। ये नंदा को थाने बुलवाओ। सर वो जो कैब में सिम कार्ड मिला था वो किसी बंटी सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है, शिवाजी नगर का एड्रेस। तुरंत वहां के लिए निकलो, शायद कुछ हाथ लगे। अरे मैं तो बस पूछ रही हूँ आप कब तक लौटोगे? जैसे ही काम खत्म होता है घर आ जाऊंगा, अब मेरा दिमाग पर। हेलो क्या हो गया? हेलो सर,
विजय, विजय हमारी बात को भरोसा करो साहब। वो चोरी का फोन था जो मैंने प्रशांत से खरीदा था, अब उसके पहले किसने इस्तेमाल किया, कब किया, मैंने क्या मालूम साहब। एक बार तुम पर भरोसा करके गलती कर चुके हैं, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। मर्डर केस है, जिस लड़के का कत्ल हुआ ना, उसकी एक नंबर पर लगातार बात होती थी, और जिस नंबर पर बात होती थी और जिस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में वो सिम इस्तेमाल होता था, उस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट के तार तेरे मोबाइल से जुड़ रहे हैं। इस बार सीधे सीधे पूछो, सीधे सीधे बता दे, अगर नहीं बताएगा ना तो उल्टा लटकाएंगे और इस बार इतना मारेंगे। हाँ तो मारो ना साहब, मारो, लेकिन सच यही है साहब कि किसी कोण से मेरा कोई लेना देना नहीं साहब। मारी तो किस्मत ही खराब है, जो ये सारे दुख और मुसीबत एक साथ मारी किस्मत में आ लिखे। और साहब अगर आप बोल रहे हो कि मैं खूनी हूँ, तो मारी बीवी मीता को खूनी कौन है साहब? मतलब आप साहब बोल क्या कहना चाहता? साहब मेरी बीवी मीता का खून हो गया था साहब, और मैंने जयपुर थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई है, आप चाहो तो पता कर लो। सब बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी मीता को दिल्ली में कोठे पर बेचा गया था। हम उसे ढूंढ ही रहे थे कि हमें उसकी ये फोटो मिले। पानीपत में उसकी लाश मिली हमें, किसी ने उसका गला दबा के मार दिया था उसे। सर मुझे नहीं लगता सुबोध खूनी हो सकता है, मैंने पता किया है, इसकी वाइफ का मर्डर हुआ था और ये बात सच है। हालांकि चांसेस कम है, पर फिर भी क्वेश्चनिंग करते रहो। प्रशांत के बारे में कुछ पता चला? सर तलाश जारी है, ढूंढो उसे। सर साला भी इसका हां हां साले दादा बन ओ वर्दी दे, वर्दी दे, पक गया होगा साला पैंट ही नहीं था क्या बात। भाई दो मिनट जोर से लगी। सुखराम जल्दी आओ, खुद को मारने की कोशिश की इसने, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। हेलो, हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.